मौलाना सज्जाद नोमानी। लेकिन सोच कैसी तालिबानी। अगर देश में कोई ये कहे कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना बर्बादी है, तालीम मत दो, कम उम्र में शादी जरूरी है, और ये कोई मौलाना कहे, कहे अब्बा जान सावधान, और इस लहजे में कहे, तो फिर इसे तालिबानी सोच नहीं तो और क्या कहा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने, मौलाना सज्जाद नोमानी ने हाल में एक बयान दिया, और उसमें क्या क्या कहा, वो कितना जायज है कितना नाजायज है, ये आप खुद फैसला कीजिए। बिग एंड बोल्ड की पहली स्टोरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। डिग्री की तलाश में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भेज दिया, बिल्कुल खबर नहीं लिया आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही। इस्लाम के नाम ये कैसा कट्टर ज्ञान, और अपने बच्चों और बच्चियों को पाकीज़ा जिंदगी के आदाब सिखाइए, उनकी तरबियत कीजिए। बेटियों को कट्टरपंथी बनाने का प्लान ऐसा क्यों भाईजान? इनके ज़ौक़ और मिजाज को ऐसा बनाइए कि वो घिन करें इन गंदी हरकतों से। लड़कियां करती हैं इस्लाम को बदनाम, मौलाना का ये कैसा काम? ज्यादा से ज्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते मुस्लिम मुआशरे में। कॉलेज में किरदार का सौदा, ऐसे बयानों से कब करोगे तौबा? फिर आजकल लड़कियों की शादी में बहुत ताखीर हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। परवरिश पर उठाए सवाल, छिड़ गया नया बवाल। सुना आपने, ये है मौलाना सज्जाद नोमानी। मौलाना नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है। मौलाना जो कहते हैं उसे मुस्लिम जमात गौर से सुनता है, लेकिन इस बार मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो बयान दिया है उसे सुनकर लगता तो यही है कि जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का बयान नहीं बल्कि तालिबान के प्रवक्ता हूं। और अब ये पुराना जमाना नहीं है जब लड़कियां भोली भाली रहती थी, अब 9-10 साल की बच्ची भी वो सब कुछ जानती और चाहती है जो शायद पहले 15-16 साल की लड़की भी नहीं जानती और चाहती थी। इससे ज्यादा मुझे न कहना पड़े तो अच्छा है। अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बार फिर जहर उगला है। मौलाना ने इस बार जो कहा है वो हर बार की तरह एक बार फिर वायरल है। मौलाना ने बेटियों के कॉलेज जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। मौलाना सज्जाद नोमानी के इस विवादित बयान पर चारों तरफ चर्चा है। मौलाना ने मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठाए हैं, मुस्लिम बेटियों के कॉलेज जाने पर सवाल खड़े किए हैं, मुस्लिम बच्चियों को ज्यादा न पढ़ाने की अपील की है, मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजने की वकालत की है, यहाँ तक कि मुस्लिम बेटियों पर किरदार का सौदा करने का आरोप लगा दिया है। मैं पहले मुसलमान बच्चियों के वालिदैन से उनके पूरे एहतराम के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत की तरफ ध्यान नहीं दिया? आपने उनको एक शरीफ पाकीज़ा जिंदगी के आदाब और अतवार नहीं सिखाए। आपने उनको उन पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भेज दिया, बिल्कुल खबर नहीं ली आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही, किरदार का सौदा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही है। सवाल है, मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई से मौलाना को दिक्कत क्या है? मौलाना का ये कैसा ज्ञान है जिसमें दुनिया जहान की जाहिलियत भरी हुई है? मौलाना सज्जाद नोमानी के हालिया बयान में क्या धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर नहीं भरी है? क्या ये महिला विरोधी माइंडसेट का खुल्लम खुल्ला मुजाहिरा नहीं है? क्या इसमें मजहब के नाम पर रिग्रेसिव सोच का तालिबानी फरमान नहीं दिखता है? आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई से क्यों दूर रखना चाहते हैं?
ये मौलाना मुस्लिम बेटियों के हाथ से कलम छीनने पर क्यों आमादा दिखता है? इसके हिसाब से मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं, बल्कि इसके हिसाब से उनका एक ही फर्ज है, शादी करो, बच्चे पैदा। फिर आजकल लड़कियों की शादी में बहुत ताखीर हो रही है। ज्यादा से ज्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते, मुस्लिम मुआशरे में देर ब देर होती चली जाती है। खुद को शिक्षक कहने वाला मौलाना माँ बाप से ये अपील कर रहा है कि वो अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज न भेजे। मौलाना नोमानी का कहना है कि लड़कियां पढ़ लिख कर इस्लाम को बदनाम करती हैं। यही नहीं, उसका ये भी कहना है कि बेटियां कॉलेज में किरदार का सौदा भी करती हैं, इसलिए वो अल्लाह का वास्ता देकर लड़कियों की शादी जल्दी कराने की मुहिम में लग गया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। नोमानी का दावा है कि यूपी के जिन इलाकों में मुसलमान खुश है, वहाँ की हालत बहुत खराब है। मौलाना के मुताबिक ऐसे तरक्की पसंद इलाकों में मुसलमान परिवार अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की बेटियां लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर रही, बल्कि कॉलेजों में इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। इसके साथ ही नुमानी की जुबान ये कहने के लिए भी नहीं रुकी कि मुसलमान परिवार अपनी बेटियों महिलाओं पर भरोसा ना करें। सवाल है, नोमानी जैसे मौलाना हिंदुस्तान को तालिबान बनाने के लिए क्यों बेचैन हैं? मुस्लिम बेटियों को घरों में कैद करने के प्लान को क्यों आगे बढ़ाने में लगे हैं? मुस्लिम समाज की बेटियों को बेड़ियों में जकड़ देने के काम पर क्यों लगे हैं? मौलाना सज्जाद नोमानी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है, कॉलेज भेजने वाले मुस्लिम बच्चियों के घर वालों को होश में आना चाहिए। माओं से भी अर्ज करता हूं और बापों से, क्या ये बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तरबियत में कमी, निगरानी में कमी, बाखबर रहने में कमी, अंधा भरोसा, आप क्या वाकिफ नहीं है कि बाहर का माहौल और कॉलेजों का माहौल बहुत खराब है? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए अब होश में आइए और अपने बच्चों और बच्चियों को एक पाकीज़ा ज़िंदगी के आदाब सिखाइए, उनकी तरबियत कीजिए, उनके ज़ौक़ व मिजाज को ऐसा बनाइए कि वो घिन करें इन गंदी हरकतों से। इसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम बेटियों के माता पिता को उनकी बच्चियों की शादी में देरी न करने की नसीहत भी दी। जल्दी शादी के पक्ष में मौलाना ने तर्क दिया कि ज़्यादा पढ़ाने से उनकी बेटियों के लिए मुस्लिम समाज में अच्छे लड़के नहीं मिलते। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बेटियों के एजुकेशन से मौलाना को टेंशन क्यों है? क्या पढ़ेंगी बेटियां तो बिगड़ जाएंगी बेटियां? कट्टरपंथी मौलाना हर बार बेटियों को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? बेटियों के किरदार पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये कट्टर ज्ञान से समाज में जहर घोलने की साजिश है? केवल शिक्षा पे रोक क्यों लगाई जा रही है? ये गलत है ना, शिक्षा पे रोक नहीं लगानी चाहिए। लड़कियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। पढ़ाई लिखाई तो बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो मुस्लिम हो किसी भी कास्ट का हो, तो पढ़ाई लिखाई के बिना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। आखिर मौलाना का ये कहना कि ज्यादा पढ़ी लिखी बच्चियों की शादी में दिक्कत आ रही है किस ओर इशारा करता है? क्या मौलाना के बयान का ये मतलब निकाला जाए कि मुस्लिम समाज में एक लड़की की जिंदगी का एक ही लक्ष्य है और वो है शादी? क्या मौलाना नोमानी मुस्लिम समाज की बेटियों की बेहतर तालीम और काबिलियत से इत्तेफाक नहीं रखते? ये उन्हीं मौलानाओं की जमात है जिसे तीन तलाक के खात्मे से तकलीफ है, जिन्हें बाल विवाह गलत नहीं लगता, जो यूसीसी के विरोध में छाती पीटने लगते हैं। सवाल है, मौलाना का बयान किसी खतरनाक मंसूबे की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? अगर ऐसे मौलानाओं के दकियानूसी बयानों पर मुस्लिम समाज अमल करने लग गया तो समाज की सोच 21वीं सदी में भी 17वीं सदी वाली हो जाएगी। सज्जाद नोमानी इकलौते ऐसे मौलाना नहीं है, ऐसे कट्टर मौलानाओं के नामों की लंबी फहरिस्त है, मौलाना तौकीर रजा से लेकर जाकिर नाइक तक। ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं का मकसद 100% क्लियर है, बेटियों के पर कतर दो, उनकी तालीम पर ताला लगा। अगर तालीम बंद फिर जुबान भी बंद रहेगी। नोमानी जैसे मौलानाओं ने ही अपनी तकरीरों से, अपने फतवों से
मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी को पीछे धकेलने का काम किया है। और सोचिए कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आधी आबादी यानी करीब 10 करोड़ मुस्लिम महिलाएं इनके हिसाब से अनपढ़ ही रह जाएं, तो देश कहां चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।